जवानो रे आयो दावत डेस्टोनी की लिख के भेजी वायो चूलो नता दावत जामे लिखी भैया दावत सुने गई है आए जितने नौकर तेरे कुलवाड़े में मेरे भैया सबकी दावत लिख गई आए अरे जा कुलवाड़े भैया चूलो नो था दावत बिल्कुल पूरे कुलवाड़े की पूरे कुलवाड़े की अरे बाप मालदारी तो मैं ये खूबी है कि आज मालदारी है तो चूलो नो था दावत गरीबी भी मैं किसी ने नहीं भूजा सीताराम बाबा सीताराम सीताराम बाबा सीताराम सीताराम धर रखड़ो उसी को जो ना माने किसी को भैया हाँ रहतवा एक काम करो क्या जब चूलो नौता दावत है कुलवाड़े में हुक्म लगा दो कि आज कोई काम नहीं करेगा और सभी नहाए धोए कपड़ों पे प्रेस कराएं ठेका पे पहुंचे एक एक पौवा ले और राजा भुज के यहाँ दावत खाएं अच्छा और तुम नहा धो ले और अपने कपड़े पे प्रेस करवा ले तो को भैया एक इंग्लिश को हाँ पिला देंगे भैया हाँ मेरे लिए दावत लिख करके आई है पूरे कुलवाड़े को दावत आई है यार लेकिन भैया मैं नहीं जाऊंगा तू क्यों ना जाओगे सुनो मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्यों नहीं जाओगे जी मास्टर दावत होती है भैया अरे अदले के बदले हाँ वो किसी के यहाँ से दावत अगर आ जाए और किसी पे खिलाने के लिए नहीं है तो वो दावत नहीं भेजता है जैसे आज तुम लोगों को खवा दो कल को मैं तुम्हें खवाऊं हाँ जहाँ से कहते अदले को बदलो बिल्कुल दावत होती है भैया अरे अदले के बदले खबाबे को नाए काऊ के खाए नाए जाबो कछुए नातेदारी राजा बुदते नाए शोक से चले जाओ भैया दावत खाए वे को भैया दावत मेरी अरे आई दावत अरे खावे को वीरन में नाए जाओ मेरे भैया दावत शौक से खा लो मेरे भ्रात चले जाओ राजा खुद यार राजन की दावत को मना करता है बिल्कुल मैं नहीं जाऊंगा पहली बार राजा के यहाँ दावत खाइए राजन के यहाँ दावत खाले को तेरे यार मोह की बात चली जाएगी तेने खर खाइए तेरे मोह की बात चली जाएगी राजन में दावत बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी मिलती है अरे नौ नौ गज तो लंबो राय तो मिलतु है नौ गज लंबा रायता कैसा होता है तूने ना खाया मैंने नहीं खाया है हमने एक बार नौ गज लंबो राय तो खाओ भैया वैसे तो दावत हमारे यहाँ आई ना आई हाँ तेल बेक रहे गलील गलील में तो एक राजा साहब के यहाँ दावत चल रही राजा साहब के नौकर सबको पकड़ पकड़ के दावत खबा रहे अच्छा उधर ही हम पहुंच गए चढ़िया लेके नौकर बोले के तेली चढ़िया रख पहले दावत खा हाँ हमने चढ़िया रख के दावत खान चले गए तो छत पे खबा रहे हाँ ऊपर हम दावत में बैठ गए दावत खाने के लिए हाँ तो पूरी कचौरी अरे बड़े मर मीठे सब्जी की कोई गिनती ना मीठी कोई गिनती ना है अच्छा बाप बैंगन की भी सब्जी बनी लटक रहे हुआ सलाम हाँ दावत खा रहे तो आओ बाद में रायतो 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 अच्छा हमने कही कुल्लड़ में रायतो लेकर रख लो मेरे की पूरी रह गई है दो ना खा ले ताकि बाद में रायते को टेस्ट लेंगे हम पूरी खाने में लग गए ऊपर चील मर रह रही हाँ चीले ने जो झपक्का मारो हमारी पत्थर पे सो रात को कुल्लड़ लुढ़क गए अच्छा रात हो लुढ़क के आए गो सपील से नीचे हाँ हमने दावत खाए का जब सपील नापी तो नौ गज लंबी बैठी अच्छा तो नौ गज लंबू रायतो ना है दीवार हो गई नौ गज रायतो ना है भाव नहीं अरे हम जो समझते नौ गज लंबू रायतो है वो
तो तुम दावत खाने नहीं जाओगे? बिल्कुल नहीं जी यार, मेरी नुकसान है भटके भाई, चले जाते तो आधी किलो एक किलो मेरे बचे तो ना पौन किलो, वो आगे को बढ़ा तो मेरू मेरी सीना पे दाग कर रहे जो यार आओगे तब से। सुन, तू करता है मनमानी, तू करता है मनमानी, दावत खाने के लिए नहीं जाता है तो भमर ताल में मेरी बदियों को पिया के लाइए पानी। ठीक है भैया, मैं तेरे हुक्म का ताबेदार हूँ। और एक काम का ध्यान रखना, क्या बराबर से राजा बुद्ध के ताल हैं, बदियां अपने ताल में पानी पिए, राजा बुद्ध के ताल में नहीं पहुंचे। ठीक है ठीक है, तू बैठ, मैं जाऊंगा दावत खाने। देखो यार, इनने तो मना कर दी जाएगी घरवारी से, और बूझ के देखो मत वो चली जाए। चलो रानी से और करूंगा बात में। ए भैया, हाँ दावत खाने के लिए तुम जा रहे हो? अबे ना यार, बूझ के जाऊंगा तुझसे फिर, अभी तो तेरी घरवारी से और बूझूंगा। देख ले यार, कितनी जल्दी विदा करने जा रहा हूँ। चलो जाई भैया रवानी से, पर्दे से पर्दे से। ऑर्डर भाई ऑर्डर, मुनीमीन। दादा राम राम। राम राम बहू, राम राम, राम राम, राम राम बहू। बहू हाँ, एक बात सुनो, आज राजा बुद्ध के यहाँ से घर के कुलवाड़े की चूल्हे नौता दावत आई है। अच्छा, सभी औरतों से कह दो कोई काम नहीं करेगा, सब नाहे धोए, राजा बुद्ध के यहाँ दावत खाने चले और चूल्हो